तो आई नो लैपटॉप की साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा मस्त होती है, बट जब आप एक सेटअप लेके बैठे हो तो डेस्क पे स्पीकर मतलब काफी ज्यादा जरूरी होता है, और मुझे जरूरी लगे तो मैंने सोचा अब क्यों ना हम भी थोड़ा अपग्रेड करें। आज अपने पास में है Zebronic Zeb Wonderbar 10, एंड स्पेसिफिकली यही क्यों कन्वर्टेबल है, खोल के देख लेते हैं एंड देखते हैं क्या ऐसा निकाला है Zebronic ने, एंड काफी मिनिमल चीप प्राइस रेंज में, तो और कितना वर्थ इट है वो सब भी देख लेंगे। चैनल पे अभी क्लिक किया है सब्सक्राइब कर सकते हो, डब्बा खोल लेते हैं। तो वैसे मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इतना ही कुछ सामान है डब्बे के अंदर, तो मैंने सोचा फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। अब इसकी फाइनल फिनिश देखो तो कुछ एक पूरा साउंड बार का टेक्सचर निकल के आता है इसमें से, एंड साउंड बार का इसलिए क्योंकि भैया ये है कन्वर्टेबल, एंड कन्वर्टेबल है इसको आप कुछ इस तरीके से निकाल के एंड डेस्क पे कुछ ऐसे भी रख सकते हो जिसमें आपको ये दो ड्यूअल स्पीकर जैसा लगेगा, एंड फिर आपको अगर देखना हो कि नहीं भाई ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ इसको ऐसे चिपका के एंड डेस्क पे वापस वैसे भी रख सकते हो जैसे एक साउंड बार को रखते हैं। ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। एंड हाँ, इसके अंदर RGB भी है, लाइट्स काफी ज्यादा मस्त होते हैं पर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको एक USB मिल जाता है एंड दो 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाते हैं, एक ऑडियो के लिए एंड एक हेडफोन के लिए। अब आउटर स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपको पीछे है ना दो ये वूफर के अंदर कैसे एयर फ्लो के लिए कुछ छेद से दिए होते हैं, तो इधर पीछे की तरफ दिए हुए हैं तो इसमें से हवा भी निकलती है, तो साउंड क्वालिटी क्या है लास्ट में थोड़ी फटेगी नहीं। एंड हाँ, प्राइस रेंज के बारे में बात करूँ तो ये कुछ 950 से 800 रुपये के बीच में चलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं भाई, मतलब क्या क्या दे दिया इतने में। एंड वेट के बारे में भी लगे बात कर लेते हैं, काफ़ी हल्के हैं वैसे। तो कुछ 500 ग्राम्स के हैं भाई, पूरे आ भी नहीं रहे थे इसके ऊपर, तो मैंने एक के ऊपर एक जैसे जैसे करके रखा है, तो 500 ग्राम के, तो वेट में भी इतने ज़्यादा नहीं है भाई, पूरे 1 किलो का भी नहीं है। तो अब इसको करते हैं सेट एंड अपने सेटअप पे लगाते हैं, एंड इसकी USB लगाओगे तो आपको आपकी जो RGB है वो इसके अंदर चल जाएगी, एंड इसका जो ये ग्रीन वाला केबल है उसको लगाओगे तो ऑडियो काम करने लगेगी, येलो वाला हेडफोन के लिए। आगे की तरफ इन दोनों के इनपुट भी दिए हुए हैं तो आप उसको इसमें कनेक्ट कर सकते हो अगर आपके PC वाले ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। तो इसकी RGB एंड साउंड क्वालिटी को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना ज़्यादा जोर से ये बजा लेता है साउंड को। तो साउंड टेस्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर लगाए हैं NCS, क्योंकि भैया हमें कॉपीराइट चाहिए नहीं, ठीक है। तो NCS पे एक म्यूजिक मैंने प्ले किया एंड इसकी साउंड में आपको लाइक बताता हूँ, तो इधर से इसको कर देते हैं हेडफोन पे, तो ये कुछ कहानी थी स्पीकर की। एंड क्योंकि ये यूनिक स्टाइल था, इसका प्रोडक्ट डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने ये प्रेफर किया। इसके अंदर टोटल कुछ 4 मॉडल्स आते हैं जो कुछ एक ही एक सीरीज़ में लॉन्च हुए हैं, तो उन 4 में से यही क्यों, तो देखो ये इसलिए क्योंकि देखो ये कन्वर्टेबल है, 2-in-1 डिज़ाइन है, एंड इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। पीछे वूफर टाइप डिज़ाइन दिया हुआ है ताकि इसकी साउंड फटे ना। इसके अंदर RGB शायद तक म्यूजिकली रिएक्शन वाली है, क्योंकि जब हमने इसमें NCS का म्यूजिक ट्राई किया एंड मैंने इतने दिन से नोटिस नहीं किया था, बट NCS के म्यूजिक पे इसकी RGB रिएक्ट कर रही थी। एंड इसका जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स है वो कुछ 500 से लेकर 900 के बीच में वेरी करते हैं, एंड इतने प्राइस रेंज में वो आते हैं। सो आपको ये कैसा लगा, इसकी प्रोडक्ट डिज़ाइन साउंड क्वालिटी कैसी लगी मुझे बताओ। इसके अंदर आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन भी कर सकते हो एंड लिटरली काफ़ी अच्छी फीलिंग आने वाली है, एंड म्यूजिक वर्ग भी सुन सकते हो, अपनी वीडियोस भी एडिट कर सकते हो। इनफैक्ट एडिटिंग में इतना ज़्यादा काम का नहीं है, साउंड प्रेफरेंसेस मुझे उतनी टॉप टू द मार्क नहीं लगी। मल्टीमीडिया कंजम्पशन एंड डेस्क स्पीकर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है, लाइक आपको डेस्क पे एक स्पीकर चाहिए बढ़िया डिज़ाइन वाला एंड 2-in-1 डिज़ाइन वाला। एक खराबी है इसके अंदर, आप इसका जो साउंड बार वाला 2-in-1 डिज़ाइन है उसमें ये कई बार क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसा नीचे की तरफ बेंड होता है, तो मुझे डर रहता है ये टूट ना जाए, बट अभी तक तो नहीं टूटा, इसको कुछ 1 महीना हो गया आके। एंड इसको आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा होगा पड़ा हुआ, तो 1 महीने से है मेरे पास एंड 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक तो कुछ डिफेक्ट इसके अंदर आया नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मस्त चल रहा है एंड काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो आपको कैसा लगा बताओ, अच्छा लगे नीचे लिंक से परचेज कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।